हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई लोग। अरे यार मैं क्या बताऊं यार, मैं दो दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं यार। मैं सारे वीडियोस प्लान करे हुए थे, रिकॉर्ड करे हुए थे, मैं कहीं ट्रैवल करना था मेरे को, लेकिन भाई जब देखा तो साला तीन में से दो फाइल हो गई करप्ट, इसलिए पिछले दो दिन से कोई वीडियो आए नहीं। लेकिन फाइनली चलो ठीक है, साल की शुरुआत हो रही है श्रीमान एमिवे बंटाई से। गाने का नाम है डब्लू। दो दिन में या डेढ़ दिन में अराउंड 1.3 मिलियन व्यूज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं इस गाने में क्या है, तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स लिसन टू डब्लू। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, 3, 2, 1 हियर वी गो। अबे गो पे प्ले हो जा। यस हो गया। तो स्टार्टिंग के विजुअल देख के पता नहीं कि मुझे आउट ऑफ संपर्क की याद आ गई। पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन पीछे इनके आग लगी है। भाई 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 ब्रैकेट शुरू हो गए, मतलब एमिवे अपने गानों को ब्रेक डाउन कर रहा है, हमको समझना पड़ेगा, रुक जाओ। पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन एक दिन में 4 मिलियन शार मिलियन ओके। पीछे इनके आग लगी हैश बचा कर। पीछे इनके आग लगी इन्हें पोकेमोन। भाई देखो अगर इसमें पोकेमोन के रेफरेंसेस चल रहे हैं ना, क्योंकि ऐश भी मैंने कुछ पढ़ा था, वो भी शायद पोकेमोन का कैरेक्टर है, और शामिलिन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, मैं नहीं देखता यार ये एनिमे, मेरी चीज नहीं भाई। पोकेमोन मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, ये ऐसा मैं यही हूँ भाई, जाहिल आदमी हूँ, गाँव से आया हूँ मैं, मैंने नहीं देखा। सो अगर पोकेमोन के रेफरेंसेस आने वाले मैं मिस करूंगा, सॉरी। पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन पीछे इनके आग लगी हैश बचा करूं इन्हें पोकेमोन से डिस करो। आई लाइक दिस वन। पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन पीछे इनके आग लगी हैश बचा करूं। पीछे इनके आग लगी है ना, वो भी पोकेमोन का रेफरेंस है, करूं इन्हें पोकेमोन पोकेमोन पोकेमोन। आई लाइक दिस। इन्हें पोकेमोन से डिस करे और ये विश करे इन्हें छोड़ दूं मैं ऑन माइक ब्रो सॉफ्ट लगे देखो मैं कौन। ये छोड़ दूं ऑन माइक ब्रो सॉफ्ट लगे देखो मैं कौन, माइक्रोसॉफ्ट मैं कौन। ओके बहुत ज्यादा ही वर्ड प्ले चल रहे हैं यहां पे। मैं वो जिसे कोई जीत नहीं सकता, अंदर तो देखा है सैंड द गेट, कौन कर कर डाला दिल मैंने सबका, एआई करे खाली मैनिपुलेट, बने गुड मेरे एआई करे खाली मैनिपुलेट एआई। ओके ओके, सो बेसिकली यहां पे बॉट्स और इसका वाला शायद वो पॉइंट आउट कर रहे हैं एमिवे, ये आई मैनिपुलेट एआई, ये आई ओके। तो देखा है सैंड द गेट, कौन कर कर डाला दिल मैंने सबका, एआई करे खाली मैनिपुलेट, बने गुड मेरे आगे तो फिर चढ़ता बलि, बकरा ईद लगे जो भी घुसे मेरे गली, बने टाइसन रात में सोचे मुझसे भारी, बेटा भारी पड़ू इन पे जैसे माइक पे आली, ये करे जैसे माइक पे आली, जैसे माइक टाइसन के ऊपर आली है ना, जैसे माइक पे अली है ना, जैसे माइक पे। ओके यार बड़े सारे यहाँ पे रेफरेंसेस चल रहे भैया, वर्ड प्ले की दुकान लगा दी एमिवे ने यहाँ पे। ईद लगे जो भी घुसे मेरे गली, बने टाइसन रात में सोचे मुझसे भारी, बेटा भारी पड़ू इन पे जैसे माइक पे आली, ये करे मुझे स्टे और मैं चढ़ू सारे लैडर्स, ये गाना जैसे एमएनएम एवरी बाउ मैटर्स। ओके ओके ओके, भारी पड़ू इन पे जैसे माइक पे आली, ये करे मुझे स्टे और मैं चढ़ू सारे लैडर्स और मैं चढ़ू सारे लैडर्स, लिखावट जैसे एमिनेम एवरी बार मैटर्स, मैथर्स मार्शल मैथर्स एमिनेम का रियल नेम, एमिनेम एवरी बार मैटर्स, लिरिकली क्रिमिनल पंचेस ऑन द ब्लड, हर महीने गाने बरसाऊं पर महीना मई वेदर में हूं जून और जुलाई तेरे जैसे नीचे और गैस मारूंगा ना। वाह वाह वाह, क्रिमिनल पंचेस ऑन द ब्लड, हर महीने गाने बरसाऊं पर महीना मई, हर महीने गाने बरसाऊं पर बहना मेर मे वेदर मे जून जुलाई वेदर में हूं जून और जुलाई, मैं हूं जून और जुलाई तेरे जैसे जू जुलाई जुलाई और नीचे और घस, अरे बाप रे, मई जून जुलाई अगस्त, अरे बाप रे, इससे पहले वाले गाने में सारे गामा पाधा नीसा चला हुआ था, इसमें मई जून जुलाई अगस्त, कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया गया बेसिकली यहाँ पे राइटिंग में, मेरे को ये समझ आ रहा है। मारूंगा ना छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रॉडस 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 सीके सीके, अबे कौन है कैल्विन ब्रॉडस, किसका नाम है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, मैं भूल गया, क्यों मुझे ये भी पता है क्योंकि अरे यार बट वो ना सी के एक्चुअली कृष्णा की एक लाइन थी जिसमें वो बोलता है कि अरे यार कुछ तो था, कौन है कैल्विन ब्रॉडस रियल नेम किसका है यार, मैं भूल गया भाई सॉरी यार। मारूंगा ना मारियुआ ना मारू ना मारूंगा छोड़ूंगा ना स्मोक स्मोक जैसे ब्रॉडस कैल्विन ब्रॉड, अभी किसका नाम है ब्रॉडस, स्नूप डॉग का नाम है क्या, स्नूप डॉग का नाम है शायद, होंगे अभी ऑफ्स भी लिखावट पे, मारू खाली छक या प्राउड तो होंगे अभी ऑफ्स भी लिखावट पे, यस राइटिंग इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, व्हाई नॉट, लाई तेरे जैसे नीचे और गस मारूंगा ना छोड़ूंगा ना स्मोक जैसे ब्रॉड अस प्राउड अप, होंगे अभी ऑफ्स भी लिखावट पे, मारू खाली छक के ये बेटा पावर प्ले, फिर से मारनी तो बता तेरी कब लू, तेरे हेट तो लोगों से मैं लव लू, हमको दिखना चाहते अपसाइड डाउन देखो अपसाइड डाउन, मारनी तो बता तेरी कब लू, तेरे हेट तो लोगों से मैं लव लू, हमको दिखना चाहते एम को देखना चाहते अपसाइड डाउन, एम बोले तो एमी वे साइड डाउन देखो अपसाइड,
देखो अपसाइड डाउन तो भी मुझे डब्ल्यू, अच्छा एम एम, अरे बाप रे बाप, भाई भाई यहाँ पे राइटिंग बहुत बहुत ज्यादा डिटेलिंग जा रही है, ठीक है। एंड यस यस, अब तो आप नहीं बोल सकते लाइक अब नहीं, इससे पहले भी कई सारे गानों में लाइक एमीवे हैज प्रूव्ड की जब वो बार्स मारने पे आएगा तो भाई पूरा गाना ही कैन फिल विद बार्स, है ना। बट ये वाले गाने में तो लाइक यू हैव टू लिटरली पॉज ऑन एवरी लाइन टू अंडरस्टैंड कि भाई कर क्या रहा है आदमी। गुड वन, गुड राइड डाउन तो भी मिले मुझे डब्ल्यू, ये कर पैसे कमाने को मैं आकर रफ लेगेसी जज करने बैठे साले ये गाने को, जज करने बैठे साले ये गाने को। देखो यार मुझे नहीं पता था कि ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने इंट्रो दिया है गाने का, ये बेसिकली गाने का हुक भी होने वाला है ना, नेगेटिव एनर्जी। तो देखो यार मैं क्या ही बोलूं, देखो मुझे तो एमीवे का अब समझ आना बंद हो गया है कि इसको रिएक्शन चैनल्स पसंद है या लोग जो उसका कंटेंट उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं पसंद है, क्योंकि एमीवे का बड़ा ही ज्यादा लव हेट रिलेशनशिप रहा है ना उन लोगों के ऊपर जो उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं। वो कभी तारीफ करता है रिएक्शन चैनल्स की, कभी वो उनका क्लाउन बोल देता है। सो है ना लाइक आई रियली डोंट नो कि एक चाहता है हम उसके गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए या नहीं चाहता है। भाई अगर ये नहीं चाहता है तो मेरे हिसाब से इसको एक बार ओपनली बोल देना चाहिए, क्योंकि मैंने एमीवे को देखा भी है भाई, वो लाइव स्ट्रीम भी जब उन्होंने लास्ट वाली करी थी इसमें बड़ी धमकियां दे रहे थे ये रिएक्शन चैनल्स को, तो उसमें भी इन्होंने एक चीज कही थी कि कुछ तो कहा था, एग्जैक्ट लाइन तो नहीं आता लेकिन ये कहा था कि जो लोग ये वो कर रहे हैं उन सबके ऊपर स्ट्राइक आएगा ये वो, एंड बाकी जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको हक से यार। अरे भाई काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आप कैसे बता सकते हो, आप तो ऑलरेडी एक साइड के हो ना भाई, आप तो एक पार्टी हो। अगर आपकी तारीफ करेंगे तो काम सही है, अगर आपकी तारीफ ना करें तो काम गलत है। तो मैं लिटरली देखो ये लाइन सुन के नो हेट फॉर एनीवन, देखो मैं तो कभी अपने चैनल पे किसी को हेट नहीं देता भाई, अपना चैनल उस पर ग्रो नहीं करता भाई हेट पे, अपना चैनल लव पे ग्रो करता है। आई हैव सो मच लव, तो मेरे वीडियोस देख लो लाइक मुझे एमीवे कितना लाइक मैंने दिल से है ना, मैंने साइड लिया है, साइड लिया मैंने से कि मैंने दिल से तारीफें करी है, गाने को अप्रिशिएट करा है, सब चीज करा है, अगर मैंने कोई गलती करी तो मैंने उसको माना भी है। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि एमीवे को क्लियरली बोल देना चाहिए भैया मेरा गाना कवर करो या ना करो, ठीक है। ये बीच में दोनों बातें बोलने से मुझे नहीं समझ आता, मुझे नहीं समझ आता, जनता आप बता दो भैया एमीवे के गाने को कवर करे या ना करे। और एक और चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप ऐसी जनता हो किसी भी आर्टिस्ट के, अभी एमीवे का गाना चल रहा है तो एमीवे की बात करते हैं, अगर आप ऐसी जनता हो कल को आपके आर्टिस्ट बोले कि जाके इसको गाली दो और आप मेरे को गाली देने लगो ना, एक काम करो भाई, नया साल है, बहुत ही शुभ दिन है ना, 2 तारीख है ना आज, कितनी हो गई, 2-3 जो भी तारीख है 2 है ना, आप चैनल को अनसब्सक्राइब करो सबसे पहले तो। लाइक मैं सच में बता रहा हूँ भाई, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनाऊँ लेकिन मेरे को खाली है भाई कि मेरे चैनल पर मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जी मैं नहीं दे रहा, ये गाना की ये लाइन मुझे दे रही है अभी, ठीक है। ये जज करने बैठे ये साले यूट्यूब पे बिना बात के लोगों को साला वाला बोल ले, हो सकता है भाई कई लोग एमीवे को बिना बात का उल्टा सीधा बोलते भी, आई हैव सीन दोस चैनल्स आल्सो जब जो एंटी एमीवे चले हुए हैं, हो सकता है वो उनको बोल ले हो, लेकिन भाई हमको भी तो लपेट लिया जा रहा है ना, जज करने बैठे साले ये गाने को यूट्यूब पे, जो भी है इनकी लाइन, तो मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर लाइक अगर एमीवे ये वीडियो देखें तो उनको प्लीज लाइक, अगर आप देख रहे हैं सर एमीवे तो आप ओपनली बता दीजिए कि आपके गानों को कवर करें या ना करें, अगर आप चाह रहे हो ना करें आप एक बार बोल दो भाई हम नहीं कवर करेंगे भाई। लेकिन एंड 21 मिलियन फॉलोअर्स के बाद हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स के ऊपर इतना भाव देना कि अपने गाने की हुक की लाइन में डाल दिया कि जज करने साले बैठे, आई डोंट थिंक बैलेंस कहीं से बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि एमीवे का जो फेम है आई थिंक ही शुड बी बियॉन्ड ऑल दीज क्रिटिक्स, है ना, कि अगर एमीवे अपने गाने के हुक में ये बोल रहा है जज करने बैठे साले यूट्यूब पे जो भी है ना, तो इसका मतलब भाई वो बहुत इफेक्ट हो रहा है, और आई डोंट थिंक उसको इतना इफेक्ट होना चाहिए भाई, वो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, इज अ वेरी बिग आर्टिस्ट, इज अ वेरी बिग है ना रैपर, और उसको हमारे ऐसे लोगों की बातें इतनी चुभ रही हैं कि वो आई डोंट नो मैन है ना, हार्ड बनो भाई सब लोग, थोड़ा सा हार्ड बनो, एंड पॉजिटिविटी चाहिए तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी लेना आना चाहिए। एंड हमारे ऐसी लाइक आई डोंट थिंक किसी भी रैपर को है ना हमारे हमारी बातों का इतना फर्क पड़ना चाहिए, अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा भाई तब तो डेफिनेटली यार मुझे ही फर्क पड़ेगा, अब यहाँ पे साला बोला मुझे उसी से ही फर्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली जो लोग डायरेक्टली उल्टा बोलते तो भाई उनके चैनल पे जो करना करो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जज करने बैठे साले ये यूट्यूब पे नेगेटिव एनर्जी रॉन्ग है भाई, मैं नेगेटिव एनर्जी नहीं देता किसी को भी। W ये करे पैसे कमाने को, मैं आकर रफ लेगेसी जज करने बैठे साले ये गाने को, नेगेटिव एनर्जी दुश्मन की जरूरत नहीं, अपने ही लोग यहाँ काफी है, अब वही लोग एनिमी कुक करा स्टूडियो में रात दिन में, नहीं शेफ पर मांगे ये रेसिपी, अल्हम्दुलिल्लाह सब उसका मेरे, मैं बिल्ला तभी तो यहाँ मेरा कह रहे, खुला कह रहे जहाँ रखते पैर फूट जाते, सर्व करे हम ये ले रहे।
फूट जाते मैं बिल्ला तभी तो यहाँ मेरा कह रहे खुला कह रहे जान रखते पैर फूट जाते फूट जाते ये सारे हम ये लहरे ओके सर्व करे हम ये लहरे देखे चेहरे दर्द सेरे कर्जे ले रहे मसले घेरे मतलब तू मतलब ये वाली राइम स्कीम्स देखो अल्हम्दुलिल्लाह सब उसका मेहर है मैं बिल्ला तभी तो यहाँ मेरा कह रहे खुला कह रहे जान रखते पैर फूट जाते ये सर्व करे हम ये लहरे देखे चेहरे दर्द सेरे कर्जे ले रहे मसले घेरे मतलब तू बाप रे बाप भाई ये पार्ट तभी लगते लोग गफलत इल्लत तभी मत कभी पढ़ना बस पढ़ ले बे तू इनके फेवरेट को हराया फिर भी करे डिसलाइक ग्लोबल पोचा डाला हिंदी को आई डोंट मिस फ्लाइट हाइप बिना ये 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 तभी पढ़ना बस पढ़ ले बे तू इनके फेवरेट को हराया फिर भी करे डिसलाइक ओके इनके फेवरेट को हराया ओके तब भी करे डिसलाइक है ना डिसलाइक फिर भी करे ये डिसलाइक किसका डिसलाइक कर रहे इनका की उनका पता नहीं भाई ग्लोबल पोचा डाला हिंदी ग्लोबल पोचा डाला हिंदी को इंडी को आई डोंट मिस फ्लाइट नाइस वन को आई डोंट मिस फ्लाइट हाइप बिना डिकी क्योंकि हाई बिना टिकी क्योंकि हाई बिना टिकी हाई बिना टिकी क्योंकि ये तेरे मिस हाइक ओके तेरे मिस हाइक ओके ना बस पढ़ ले बे तू इनके फेवरेट को हराया फिर भी करे डिसलाइक ग्लोबल पोचा डाला हिंदी को आई डोंट मिस फ्लाइट हाई बिना टिकी क्योंकि ये तो करे मिस हाइक पंजाब से भी प्यार क्योंकि मेरा सिख वाइब मेरे भाई बने नॉर्थ साउथ ईस्ट पंजाब से भी प्यार क्योंकि मेरा सिख वाइब आई थिंक वहां पे कोई ब्रैकेट लगाना भूल गया वहां पे सिख के आगे सिख लिखना चाहिए था बिकॉज़ आई थिंक दैट वाज द बार फ्लाइट हाइप बिना डिकी क्योंकि ये तो करे मैं साइक पंजाब से भी प्यार क्योंकि मेरा सिख वाइब मेरे भाई बने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बीफ टाइम मेरे लिए तो लगे जैसे रीसेस फेल हुए मेरे आगे दे तू रीटेस्ट मेरे क्लास तक आला तो बने बनाओ डीफेंस इन्हें तुम्हें इतने बारबेक्यू रैपर्स रोज कर डाला जैसे बारबेक्यू मेरे फैंस डेंजर निकल गए अच्छा अच्छा हां ये वाला पार्ट है सो बेसिकली मैंने ये पार्ट का एक क्लिप देखा है जो अभी बड़ा सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये पार्ट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक अ सॉन्ग फ्रॉम पाकिस्तान पुराना गाना है मैं नाम वाम भूल रहा हूँ मैंने उतना डिटेल में नहीं गया था लेकिन हाँ मैंने एक पार्ट देखा है जो जो ये वाला जो पार्ट है बारबेक्यू बारबेक्यू मैंने याद नहीं मुझे है ना ये बारबेक्यू वाला पार्ट साउंड एग्जैक्टली लाइक अ सॉन्ग रैप सॉन्ग फ्रॉम पाकिस्तान उसमें भी ऐसी बारबेक्यू चल रहा था ये एक चीज मैंने देखी इन्हें तुम्हें इतने बारबेक्यू रैपर्स रोज कर डाला जैसे बारबेक्यू मेरे फैंस डेंजर निकल रहे बारबेक्यू खुद को ये कहते गैंगस्टर पर लगते बारबेक्यू खड़ा हूं माइक पे कसम करने बिना वेपन जुबान से कत्ल करने बिना उसकी मैं क्योंकि मैं आया हूं खत्म करके सीधा दफन करने ये करे पैसे कमाने को मैं आकर रफो लेगेसी जज करने बैठे है साले ये गाने को नेगेटिव एनर्जी दुश्मन की जरूरत नहीं अपने ही लोग यहां काफी है वही लोग एनिमी कुक करा स्टूडियो में रात दिन में नहीं शेफ पर मांगे ये रेसिपी Done. Last song of 2023. Out of Sampark vibes. आते हुए. अच्छा ये क्या available? No. अच्छा merch. Okay. All right. ठीक है. गाने की बात करी जाए. देखो भाई गाना तो बहुत ही tight था. लिखा तो बहुत ही भयंकर था. Word play बहुत ही ज़्यादा थे. ठीक है. Like ये अब I think anyway पूरी तरीके से prove करना चाहता कि मैं इस टाइप के गाने इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि उसका उसको मन नहीं था उसको हर गाना खाली बार्स से भरने का मन नहीं था बट नाउ इफ यू वांट बार्स अगर उसको देख रहा है कि जनता को बार्स ही बार्स चाहिए और रिस्पेक्ट उसी की हो रही है जो राइटिंग बहुत ही टाइट कर रहा है तो नाउ एनीवे अपने सारे फ्रंट फुट पे खेल रहा है और वो दिखा रहा है कि भाई मेरे पास ये स्किल भी है जब मैं वैसे गाने बनाना चाहूंगा तो वैसे बनाऊंगा जब मुझे बार्स चाहिए अगर अभी आजकल बार्स का ट्रेंड चल रहा है तो ठीक है आई विल गिव यू बार्स गाना सही था गाना सॉलिड था गुड मेलोडीज बढ़िया हुक की मेलोडी बहुत अच्छी थी सिवाय एक लाइन मुझे खटकेगी क्योंकि बिना बात के नेगेटिव एनर्जी आई डोंट अग्री टू दैट ब्रो सॉरी एंड जो मैंने बोला कि एमी वे यहाँ पे पहुंच चुका है वो अभी तक छोटे छोटे क्रिएटर्स की बातों से इम्पैक्ट पड़ रहा है सॉरी भाई कड़क बन है ना वाली चीज है ना बाकी सही पहाड़ गाना बढ़िया गाना एंड यस एमी वे ने डेफिनेटली गाना जो भी लोग एमी वे को हल्का समझते हैं इन राइटिंग उन लोगों को प्रूव करने के लिए बार से भर डाला एंड बस एक छोटी सी एक चीज बोलूंगा मैं ना आई थिंक एमी वे के मुझे नए गाने सुनने मुझे वो गाने सुनने जिसमें कोई डेस ना हो मुझे वो गाने सुनने जिसमें कोई सब्लिमिनल ना हो मुझे पता है कि आप लोग ये कहेंगे कृष्णा करता है तो बहुत अच्छा है ना वो एमी वे कर रहा है तो गलत है देखो भाई मैं एक चीज बोलूंगा कृष्णा अगर कर रहा है ना कृष्णा करते ही जा रहा है ठीक है एमी वे जब अपना नाम बता रहा था है ना जब उसकी फर्स्ट बीफ हुई थी जब वो पॉपुलर हुआ था उस टाइम भी वो भले डिस से पॉपुलर हुआ था लेकिन उसके बाद एमी वे ने कभी डिस विस में नहीं गया उसने जो भी अपनी जनता विन करी वो अपने उन गानों से विन करी जो डिस विस सब जॉब्स के लिए नहीं थे ठीक है वो गाने थे जो सबको लिसनर को लग रहे थे पसंद आ रहे थे रिलेट कर रहे थे है ना और मैंने यही बोला कि एमी वे डिफरेंट जोन्स के गाने बनाता भाई बहुत मजे आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं सो मैं एमी वे को अब बियॉन्ड डिस देखो
लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि एमईवे को आप ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए अगर कुछ को इसको डिस कर रहा है या सबलिमिनल मार रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एमईवे ने हमेशा अपना रास्ता अलग अलग पेव करा है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ही इज पेव्ड दिस पाथ वेरी डिफरेंटली फ्रॉम अदर रैपर्स, बिकॉज मैनी ऑफ द अदर बिग रैपर्स है ना वो डिस कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे सबलिमिनल आई मीन कर रहे थे, उस टाइम पे एमईवे थोड़ा डिस सबलिमिनल नहीं कर रहा था। तो आई थिंक एमईवे को अभी भी वही अपनी चीज मेंटेन करनी चाहिए इफ ही इज टॉकिंग अबाउट द लेगेसी वाला पार्ट, है ना। तो एमईवे की लेगेसी डिस स्टार्ट हुआ था वो डिस से जिससे पॉपुलरिटी मिली थी, लेकिन उसके बाद जो भी डिस्कोग्राफी गई है उसका ही सार होता कोई डिस नहीं, कोई छोटे मोटे सबलिमिनल इधर उधर थे लेकिन कोई डिस विस नहीं था। तो आई थिंक एमईवे को अब अपना वो म्यूजिक दिखाना चाहिए हमको जिसके लिए वो पॉपुलर है, एंड दैट इज गुड म्यूजिक, गुड साउंड, यूनिक म्यूजिक। एमईवे बंटाई सिग्नेचर स्टाइल साउंड है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, यू रिमेंबर दैट एरा ब्रो, वो कौन सी ईपी आई थी, ढूंढ के दिखाई भी थी ना, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ यार, है ना, क्या ईपी थी ब्रो, क्या सही गा रहे थे ब्रो, है ना, हार्ड भी जा रहा था उसमें एमईवे, है ना, और वाइबी सॉन्ग्स भी दे रहा था। मेरे को थोड़ा सा वो मिक्सचर चाहिए रादर देन कि मैंने रिप्लाई कर दिया, मैंने तेरी बात का जवाब दे दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आई डोंट थिंक एमईवे शुड प्रूव एनी पॉइंट नाउ, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट, है ना, अब मुझे लगता है कि उसको जरूरत है। बाकी आपको लगता है अगर एमईवे को जरूरत है तो प्लीज कमेंट्स बताइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आईडी का नाम है @thereateofakeunibike। पीस।